क्या चल रहा है? तू खड़ा हो जाता बार बार, ठीक है ना? तू आपको देख के बस रोज मेरे को कुछ ना कुछ त्रास दे रहे। मैच चालू कराने इधर, टीम इधर रेडी है। डेड ड्रैगन्स का मैच है, पावर फिनिक्सेस का मैच है, दोनों टीम रेडी बैठी है। ए वाका काउंट डाउन करेगा? हाँ आजा, चिपकेगा नहीं? बिल्कुल नहीं, पेनल्टी दे दूंगा। ठीक है ठीक है, 3-2-1 लेट द गेम बिगिन। ओके भाई एक तो दे दो। प्ले वेवुल्स, दोनों टीम तैयार, पंचर्स रेडी, इन 3-2-1 स्टार्ट द गेम। कोई ना कोई तो होना चाहिए और इस एरिना में फिलहाल के लिए मुझे लगता है आज के दिन पे ध्रुव ही होंगे, जिनका नाम हर कोई लेता हुआ दिखाई देगा जब ये सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत की है, अभी तो उन्होंने 2 राउंड्स खेले। बट खैर, अगले मुकाबला ओपी यूनिकॉर्न्स वर्सेस ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। कॉन्शियस की बात करी जाए, सबसे पहले उन्होंने पार्थ को स्पॉट किया, डैमेज दे दिया गया है, ऑलरेडी एक और बुलेट हिट होगा पार्थ। उनको समझना है कि इतना ज्यादा वाइड पीक करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, अगर आप करते हो तो फिर पनिश तो किए जाओगे। शुरुआत बेहतर ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की, स्कोर 1-0 का। देखिए अभी के लिए पार्थ और वंशज दोनों को ही पता है कि उनका जो हेडशॉट गेम है वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, तो पीक के ऊपर ही वो डिपेंडेंट होकर के खेल रहे हैं कि सामने वाला जो प्लेयर है वो थोड़ा ओवर पीक करे, थोड़ा एक्सपोज्ड हो और वहां पर कुछ बॉडी शॉट के साथ जो डैमेज है वो दिए जाए, क्योंकि अगर हम बात करें क्रॉस ओवर प्लेसमेंट की वो भी उतना ज्यादा बेहतर नहीं। लेकिन ये एक बढ़िया शॉट आता हुआ वंशज की साइड से, एक तरफा सा जाता हुआ मुकाबला ये आ सकते थे, लेकिन अभी के लिए वो चीज देखने को नहीं मिली और बाकियों से उतनी उम्मीदें उनको खुद भी नहीं होंगी। देखिए यहीं पे केओ क्राकन्स कोस रहे होंगे कि हमने बेंचिंग में अपने 2 बेस्ट प्लेयर्स को बेंच क्यों कर दिया। यहाँ पे मुश्किलें उनके लिए बढ़ती हुई, वंशज सामने तैयार, एक और किल वो निकालेंगे जरूर। एक क्लोज मुकाबला यहाँ देखने को मिला जहाँ वंशज की HP कम ज्यादा थी, बट उन्होंने वो किल निकाला। एक आखिरी मुकाबला हो सकता है, 5-0 की तरफ हम बढ़ते हुए अभी के लिए नजर जरूर आ रहे हैं। वंशज एक किल और उनको चाहिए और वो यहाँ पे ये मैच भी जीत जाएंगे। काफी ज्यादा आसान फिलहाल के लिए लगता हुआ, क्योंकि 4-0 यहाँ पे कर दिए गए हैं और पार्थ देखना यह कि एक भी किल वहां पे निकाल पाते हैं या फिर नहीं। कोशिश उनकी है, चलिए कम से कम पोजिशनिंग उनको पता है कि वंशज वहीं पे मौजूद रहने वाले हैं, कहाँ से पीक करेंगे, बस ये थोड़ी प्रेडिक्शन वाली काम है उनकी। चलिए फाइनली उनको पता चला, बट उससे ज्यादा तेज आपको वंशज दिखाई देंगे। हेड शॉट प्रतिशत की बात करें तो वो है 100, क्योंकि 5 के 5 उन्होंने हेड कनेक्शंस बनाए। बेहतरीन गेम प्ले इस वक्त वंशज का चलता हुआ। वंशज थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं। वंशज दिन अच्छा जा रहा है? पहला मैच मैंने बहुत बेकार खेला, बट अभी धीरे धीरे पेस पकड़ रहे हो, सो लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट? धीरे धीरे वापस से हाथ बैठ रहा है तो अच्छा तो लग रहा है। लास्ट गेम ऑफ द राउंड रॉबिन का आ चुका है, इट्स गोना बी पावर फीनिक्सेस वर्सेस ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स। Guys ready? Start the game. Power Phoenixes जो already finals में पहुंच चुके हैं, अब उनके सामने वंशज अनिरुद्ध of AAA Werewolves. But एक चीज तो है यार, finals हो ना हो, round robin हो ना हो, वंशज हो और आदत हो ना, तो मैच अच्छा ही होता है। I mean obviously काफी ज्यादा बढ़िया कॉम्पिटिशन हमें देखने को मिलता है एंड AAA Werewolves जाते जाते जरूर से अपना जो दिन है वो एक अच्छे नोट पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं पावर फिनिक्सेस की बात करें तो वो जरूर से चाहेंगे कि यहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन आए, ताकि अगले मैच के लिए जो उनका फाइनल्स रहने वाला है बेस्ट ऑफ 3, उसके लिए एक मोमेंटम उनके पास अच्छा आ जाए। तो दोनों ही टीम्स के पास कुछ ना कुछ है लड़ने के लिए और देखते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी। अभी के लिए जो विन चांसेस हैं वो ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा बढ़िया ये चीज रहेगी, क्योंकि अभी के लिए सिटी साइड पे वो मौजूद रहने वाले। वही अगर हम बात करें पावर फिनिक्सेस की, कोशिश कर रहे हैं वो भी कि धीरे धीरे थोड़े बल्स का इस्तेमाल करके आगे आया जाए, लेकिन वो शॉट मिस किया वहां पर वंशज ने, डैमेज भी थोड़ा इन्फ्लिक्ट हुआ है और ये बहुत बड़ा जो मुसीबत का रीजन है वो जरूर बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मैं देखना जरूर चाहूंगा कि वंशज यहाँ पे अपनी टीम को जिता सकते हैं, बिकॉज अगर बात की जाए कैनरी एंड आदित, ये काफी शानदार प्लेयर हैं, बट आदित थोड़ी सी जल्दबाजी में जलते हुए वहां पे नजर जरूर आया, पीछे आना पड़ा उनको, बट वंशज बहुत पीछे खेल रहे हैं। स्पॉट तो यहाँ पे करा जाएगा अनुरुद्ध को, बट उनसे पहले अनुरुद्ध ने स्पॉट किया और यहाँ पे एक किल निकाला। आदित इज डाउन, कैनरी इज देयर, क्या कैनरी वो किल निकाल पाएंगे? कोशिश तो उनकी तरफ से बढ़ा। अनुरुद्ध आपने देखा वो परसेंटेज क्यों ज्यादा था? वो इसलिए ज्यादा था क्योंकि अनिरुद्ध है टीम में। आई मीन अनिरुद्ध ने वो जो 1v1 का परफॉर्मेंस था, 2v2 के परफॉर्मेंसेस थी, अभी तक उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर से रहने वाला है सभी लोगों के लिए। ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स की बात करें, अगर वो ये मुकाबला जीतती है, आप देखिए कितना कुछ स्टेक पे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स अगर ये मुकाबला जीतती है तो ओपी यूनिकॉर्न उनके नीचे आती हुई नजर आएगी और वो जो रंबल्स का हिस्सा है ना 1.3 लाख, वो उसमें से कुछ ना कुछ उनको जरूर से मिलने वाला है। तो ये रंबल्स की लड़ाई भी रहने वाली है ट्रिपल ए वेयरवुल्व्स के लिए। देखना पड़ेगा कि पावर फिनिक्सेस क्या करने वाले, क्योंकि आदित अभी के लिए अकेले बचे। 1v2 का सिनेरियो में देखने को मिलेगा, सामने वंशज ऑलरेडी मौजूद, पोजीशन जो है वो उनकी रिवील देखने को मिलने वाली है। वहीं अनिरुद्ध की बात करें, वो अब शायद स्टेप अप करें और वहां पर फाइट लेने की कोशिश करें, लेकिन आदित
काफी ज्यादा पीछे और थ्रोबल्स का भी उन्होंने इस्तेमाल कुछ किया जरूर से, एक फ्लैश बैंक और एक ग्रेनेड उनके पास रहेगा। ग्रेनेड अभी के लिए कुछ खास कमाल कर नहीं पाएगा एंड आदित्य बहुत बड़ी मुसीबत में स्पॉट करके एक प्लेयर को वो डाउन जरूर करेंगे। अभी भी अपनी जो फॉर्म है उसको बरकरार रखते हुए, लेकिन वंशज पोजिशनिंग उनको पूरी तरीके से पता है कि आदित्य की क्या रहने वाली है। C4 प्लांट करने की कोशिश भी हो सकती है, एक फ्लैश बैंक किया जरूर से, लेकिन वंशज अभी भी वहां पर मौजूद है। आदित्य डैमेज बहुत ज्यादा इन्फ्लिक्ट किया, वंशज वहां पे डाउन किया जाएगा उनको एंड आदित्य इस इम्पॉसिबल से क्लच को संभव करेंगे। देखिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले आदित्य यहां पे देखने को मिले, पहले भी बहुत कुछ खेला आज के दिन में उन्होंने, जो प्रदर्शन आदित्य का आया है आज के दिन में वो सबसे निराला है। बट वही अगर बात की जाए ट्रिपल ए वेयरवुल्फ्स की, अगर यहां हारते हैं आज कोई रंबल्स नहीं मिलेंगे और वो रंबल्स जाएंगे ओपी यूनिकॉर्न्स के पास। बिल्कुल, बट वहीं पे वंशज की बात करी जाए, चलिए एक बार फिर से काफी ज्यादा पिछले अगर राउंड की हम बात करें बहुत ज्यादा खुद को वो एक्सपोज कर गए और लोअर बॉडी दिखाई दी और उस पे वहाँ पे शॉट्स दागे गए आदित्य की द्वारा और उस पर तो हमने उस राउंड को जीतते हुए देखा। पावर फिनिक्स को एक बार फिर से शायद वही सेम चीज उनके साथ हुई है, आदित्य इस वक्त ये आदित्य के साथ हुआ, पिछली बार हमने वंशज के साथ होते हुए देखा था, थोड़ा डैमेज हुए हैं 70% अभी भी उनकी जो HP है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अभी भी स्पॉट करने की कोशिश, रैंडम शॉट्स वहां पे दिए जरूर गए पर वहां पे कैनरी फंस गए, पूरी तरीके से ब्लाइंडेड थे, कुछ और वहां पे किया जाया नहीं जा सका। और इसी के साथ अनिरुद्ध का एक बेहतर शॉट, आदित्य डाउन, पावर फिनिक्सेस इस वक्त एक पे, ट्रिपल वेवल्स दो के साथ आगे। अनिरुद्ध को ये हो क्या गया, क्या बढ़िया गेम प्ले उनकी साइड से देखने को मिल रहा है? अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका वो कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू वंशज, और ये ट्रिपल ए वेयरवुल्फ के लिए काफी अच्छी खबर, आज के लिए तो नहीं लेकिन आगे के लिए जरूर से रहने वाली, और वो जो रंबल सेट स्टेक है उसमें भी वो जो हिस्सा है वो अब उनको चाहिए होगा। वंशज की बात करें, ऑप का इस्तेमाल जरूर से कर रहे हैं, स्मोक का जो एक बैरियर है वो वहां पर जरूर से बनाया गया, एक स्मोक क्लाउड इनफैक्ट हमें वहां पर देखने को मिल जाएगा। आदित्य जरूर से कोशिश करेंगे कि थ्रोबल्स का अच्छा इस्तेमाल वहां पर किया जाए, लेकिन अभी भी ट्रिपल ए वेयरवुल्फ मात्र इंतजार करते हुए कि कोई पीक वहां पर आए और एटलीस्ट एक शॉट निकाला जाए, ओपनिंग निकाली जाए और उसके बाद वहां पे पुश इन किया जाए। वंशज की जो पोजीशन है वो भी पूरी तरीके से रिवील्ड रहने वाली है और अब बस इंतजार है कि अग्रेस पहले कौन करता है। देखिए करना ही पड़ेगा यहाँ पे टेररिस्ट को जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि उनको प्लांट करना है C4, जब तक वो प्लांट नहीं करेंगे तब तक वो जीतेंगे नहीं और यहाँ पे वो हार जाएंगे। समय उनके अगेंस्ट चल रहा है और समय पावर फीनिक्सेस के साथ चल रहा है, तो आगे तो जाना पड़ेगा। अनिरुद्ध को बोला कि आप आगे जाइए, मेरे पास यहाँ पे AWP देखने को मिल जाती है, सो दैट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू गो अहेड। बट अनिरुद्ध क्या फिर से 1v2 करें, ऐसे दो बार कर चुके हैं और दोनों बार उनकी टीम जीती, क्या इस बार वो कर पाएंगे? वहीं पे कैनरी की बात करेंगे, अनिरुद्ध को ही उन्होंने टेक डाउन किया, बट एक चीज सबसे ज्यादा बेहतर पावर फिनिक्सेस की आपको देखने को मिलेगी कि उन्होंने स्मोक्स तो इस्तेमाल कर लिए बट वो फ्लैश बैंक जो थे वो उन्होंने बचा के रखे। अभी कैनरी के पास एक स्मोक, दो फ्लैश बैंक आपको देखने को मिलेंगे। वंशज जो मेन खिलाड़ी इस वक्त ट्रिपल ए वेयरवुल्फ्स के, उन्होंने स्पॉट किया कैनरी को, बड़े आसानी से टेक डाउन कर दिया गया। आदित्य वर्सेस वंशज एक बार फिर से हमें देखने को मिलता हुआ, प्लांट करना है C4, ज्यादा समय बचा नहीं है और आदित्य को भी पता है कि जब तक C4 प्लांट होता नहीं तब तक कुछ खास करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए और आदित्य भी इंतजार कर रहे हैं कि C4 प्लांट करने के लिए उनको तो ऊपर आना ही पड़ेगा और 12 सेकंड्स मात्र यहां पे बचे रहेंगे। बट वंशज उन्होंने आदित्य को टेक डाउन किया और इसी के साथ ट्रिपल ए वेयरवुल्फ्स 3-1 से बढ़त पे। बहुत ही ज्यादा बढ़िया शॉट हमें वो देखने को मिला, कभी भी आसान होता नहीं है ऑप का इस्तेमाल करना इतने क्लोज रेंज में और वो काफी बढ़िया तरीके से वंशज ने करके दिखाया। अभी के लिए 3-1 का स्कोर लाइन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं अभी भी पावर फिनिक्स का थोड़ा सा भारी रहने वाला है। आप देखिए आदित्य की इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बाय उनके पास रहता नहीं है एंड ये राउंड अगर ट्रिपल ए वेयरवुल्फ जीतते हैं, आई मीन ऑब्वियसली वो जीतते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर हारते हैं तो फिर उसके बाद पावर फिनिक्स को रोक पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल जरूर से रहने वाला है। इस बात से भली भांति परिचित ट्रिपल ए वेयरवुल्फ्स के वंशज भी रहने वाले हैं। एक बार फिर से ऑप उनके पास मौजूद है, सही वक्त पे वहां पे पीक इन करा जरूर लेकिन डैमेज खुद ही खा बैठे। अभी के लिए मात्र 44 HP, एक और वहां पे बुलेट का कनेक्शन रहेगा, मात्र 7 HP पे वंशज हमें देखने को मिल रहे हैं एंड पावर फिनिक्सेस अभी के लिए तो वो हार मानने के बिल्कुल भी मूड में नहीं। बिल्कुल, देखिए हार अभी नहीं सकते तब तक जब तक आपके पास राउंड यहाँ पे बाकी है, एक भी मौका हमने देखा है वहां पे कमबैक करते हुए। वंशज एक किल निकालेंगे, पैर पे शॉट भी कनेक्शन यहाँ पे करते हुए, एक और बुलेट आदित्य यहाँ पे डाउन हो सकते हैं, पिस्टल के हाथ में कोशिश अभी भी करी जा रही है, आदित्य सारे शॉट मिस कर रहे हैं, आदित्य भी शॉट यहाँ पे मिस कर रहे हैं बट पिस्टल के साथ क्या कुछ मैजिक वो कर पाएंगे अभी के लिए मुश्किल है। बढ़ती हुई रीलोड पे जाएंगे 10 HP अनिरुद्ध। वही अगर यहाँ पे बात की जाए वंशज, वो थोड़ा सा पीछे जरूर है, पिस्टल ही है और फाइनली अनिरुद्ध ने वो किल निकाला, फाइनली ट्रिपल ए वेयरवुल्फ जीत के गए, यानी कि ओपी यूनिकॉर्न्स। वंशज वो आखिरी जो शॉट था वो वंशज का था, वो आखिरी ऑपरेटर शॉट वंशज ने दिया आदित्य को और उसी के साथ बढ़िया जो गेम था वो उन्होंने निकाला जरूर।
चादरों की सलवटों में ख्वाब मेरे नब से गए, हाजिरी लगाना भूला क्लास ले रहा कब से नहीं, आगे मुंदी सो गया मैं ख्वाब मेरे फिर से भाई, मंजिलों पे पहुंचाना गिरा पर उनकी छत से कई, आखिरकार उठा मैं लेके वीडियो का बात मैंने रहा, जैसे बिना कॉल पीसीओ से बात, और सब है ये कह दे कि मैं हूं निकम्मा पर क्या करूं काम।